दोस्तों, आप सभी अपने घर के मंदिर में पूजा तो जरूर करते होंगे। आप नहीं करते हैं तो आपके परिवार का कोई न कोई सदस्य पूजा जरूर करता होगा, और पूजा करते समय दीपक जलाने के नियम भी आपको जरूर पता होंगे। अगर नहीं पता है तो आज मैं एक गौर करने वाली चीज आप सभी को बताने वाली हूँ। क्या आप सभी ने कभी नोटिस किया है कि जो दीपक आप भगवान का नाम लेकर जला रहे हैं, कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो आपको नहीं दे रहा? आपके दीपक की जो बाती है वो पूरी तरीके से जल जाती है, या फिर उसमें घी या अधजली बाती बच जा रही है? कहीं आपके दीपक की बाती में फूल तो नहीं बनता? और इसी के साथ, जो दीपक की बाती का फूल है उसका बनने का क्या अर्थ होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना आपको क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन से जुड़ी हुई सभी परेशानियों की वजह आपके द्वारा जलाए गए दीपक से जुड़ी हुई तो नहीं है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं, और पूजा में जो दीपक आप प्रयोग में लेते हैं वो नया है या फिर पुराना? आखिर कितने सालों से उस दीपक को आप इस्तेमाल कर रहे हैं? और कहीं आपकी भी तो आदत नहीं कि हर कुछ दिनों के बाद आप दीपक को बदल देते हैं? दोस्तों, आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय जाने या अनजाने में अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपको इनका परिणाम भुगतना ही होता है। और इतना ही नहीं, दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपका हर एक डाउट आज क्लियर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से आप वीडियो को लाइक कर दें, और उसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा बिल्कुल गूंज के रख दीजिए। इतने कमेंट आने चाहिए जय श्री राम के कि कभी किसी ने देखा नहीं हो कि सच्चे सनातनी का श्री राम के प्रति क्या प्रेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जला ही छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब हम देखते हैं तो वो खुद ब खुद ही बुझ जाता है, उसमें अधजली बाती या फिर घी बचा रह जाता है, और कभी कभी तो हमारा दीपक पूरी तरीके से जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है। और इन सभी के अलग अलग सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम होते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या होता है? भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, और हमारी पूजा से प्रसन्न होकर इसका संकेत वो बाती में बने फूल के माध्यम से हमें पहुँचा रहे हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद है, और आपके साथ साथ वो दिव्य शक्तियाँ भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं, और कभी कभी तो साक्षात किसी देवी या देवता का रूप उसमें दिखाई देने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलने के भी कुछ खास नियम है, आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रख कर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कलौंच जो होती है उसी में आपने नई बाती बनाकर रख कर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं, और आपको बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का सारा धन खर्च होने लगता है, और घर परिवार में हमेशा कोई न कोई बीमारी से ग्रस्त रहता है। आपकी तरक्की के, धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आप दीपक जलाएं, हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की ऐसी भी आदत होती है कि वो हर थोड़े दिन के बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस विषय पर हमारे गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक में पूजा करते हैं आप उसको कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए, और जो सिद्ध दीपक होता है अगर उसमें रोजाना भगवान के सामने दीपक जलाया जाए तो धीरे धीरे वो पूरी तरीके से सिद्ध होकर भगवान के सकारात्मक ऊर्जा का एक संकेत बन जाता है।
और ऐसे दीपक को जलाने से आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसकी बाती रख करके जितनी भी बार आप दीपक जलाएं, उतनी बार दीपक को साफ करके बार बार बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। तो गुरुदेव का ये कहना है कि आप अपने दीपक को कभी मत बदलिए, लगातार 10 से 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार अपनी बाती को जलाएं और सिद्ध दीपक के चमत्कार को स्वयं अपने घर परिवार में बढ़ते हुए देखें। अगर आपके घर में कोई रोगी है, किसी को बुखार नहीं जा रहा है, तो आप इस सिद्ध दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए और उस जल को रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लग गई है या आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है, आपका धंधा मंदा चल रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसी दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भरकर आप इसे डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में, मंदिर में या फिर दुकान में कीजिए। ऐसा करने से बुरी नजर, चाहे वो आपके परिवार के किसी सदस्य को लगी हो या फिर आपके व्यापार, नौकरी या तरक्की को लगी हो, हर प्रकार की बुरी नजर इसी दीपक की वजह से पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु को प्रयोग में बार बार लेते हैं, पूजा में प्रयोग करते हैं, तो वो वस्तु बिल्कुल शुद्ध और सिद्ध हो जाती है। भगवान जी की ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित होने लगती है, उसके अंदर समा जाती है। कभी भी आपने मंदिर के दीपक को बदलने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, अगर आपके मंदिर में जो दीपक है वो टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, आप तभी दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को फेंके नहीं, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि ये भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी बाती पूरी तरीके से नहीं जलती है, आपके दीपक में घी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। लेकिन उससे पहले, वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन अभी के अभी प्रेस कर दीजिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में हर रोज मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप किसी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा की जरिए दीपक पूरा नहीं जलता है तो उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर कर सकती है, घर बना लेती हैं, और ये बीमारी कभी आपका पीछा भी नहीं छोड़ती है। तो जब भी आप किसी पेड़ पौधे की या मंदिर से बाहर जाकर पूजा वगैरह करते हैं, किसी जगह पर पूजा करते हैं, तो ध्यान रखें कि उसकी जो बाती है वो पूरी तरीके से जल जाए, बर्तन में घी ना बचे, क्योंकि ये आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा अगर पूरी तरीके से बाती जलती है। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी तरीके से नहीं जलती है या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और ये आपकी पूजा को विघ्न में डाल रही है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या कोई ऐसी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जो नहीं चाहती है कि आपके घर में भगवान की कृपा बनी रहे, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, आपकी पूजा को सफल होने ही नहीं देगी। क्योंकि ऐसे में दोस्तों वातावरण में एक तरीके से ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, या तो वो सकारात्मक ऊर्जा हो सकती है या फिर वो नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। जो बुरी शक्तियां होती है वो कभी आपका भला नहीं चाहती है, वो कभी आपके घर में दैवीय शक्तियों का वास नहीं होने देती है। क्योंकि अगर आपके घर परिवार में भगवान ने अपनी कृपा बनाई रखी तो बुरी शक्तियों को वहां से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये बुरी शक्तियां हमेशा इसी कोशिश में रहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आ जाए, और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की जो बाती है वो पूरी तरीके से नहीं जल पाती है। तो सबसे पहले इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, सच्चे मन से आप भगवान का स्मरण कीजिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान में सबसे पहले प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बिल्कुल आपसे दूर हो जाए, आपके घर से बाहर चली जाए, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्ति से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और इस गोल घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल सबसे ज्यादा पवित्र चीज मानी जाती है। महादेव का आशीर्वाद गंगा जल को मिला
हुआ है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश कर ही नहीं सकती है, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब भी नहीं होता है। गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की ताकत और क्षमता रखती है। और अगर आप गंगा जल से बने हुए गोल घेरे को बना देते हैं तो आपकी जो दीपक की बाती है वो पूर्ण रूप से एक तो सकारात्मक शक्तियों से बन जाती है और वो दीपक बुझता नहीं है बल्कि पूर्ण रूप से जल जाता है। अगर आप चाहें तो कोशिश करके देख सकते हैं, निर्विघ्न आपकी पूजा संपन्न होगी। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई दीपक से जुड़ी सभी प्रकार के जो डाउट्स हैं, मन में संदेह हैं, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। आपके दीपक में फूल बनता है या नहीं बनता है, दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर अधजली बाती रहती है या घी बच जाता है, वो मुझे कमेंट के माध्यम से आप सभी रिप्लाई जरूर दीजिए। और जो भी सच्चा भक्त है वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं ईश्वर से कामना करूंगी कि आपके ऊपर प्रभु श्री राम और उन्हीं के साथ उनके भक्त हनुमान का सदैव आशीर्वाद बना रहे। मिलती हूँ एक नई समस्या के नए समाधान के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।